हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 के प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल लगाएंगे। टोटल 14 सवाल हैं। ये देखा गया कि टीयर 2 के में ज़्यादातर 4 क्वेश्चन आते थे प्रॉफिट एंड लॉस से, बट इस साल एक शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। अर्थमेटिक में आप मान सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज हो गया है। और क्वेश्चंस की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, बट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, लेंदी क्वेश्चंस हैं, और अगर आप स्टेप वाइज अच्छे से नहीं करेंगे चीज़ों को समझ के तो काफ़ी कंफ्यूजिंग आपको लग सकते हैं। तो पहले 29 जनवरी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आर्टिकल को बेचा जाता है सर्टेन प्राइस पे, हमें उसका प्राइस नहीं पता है तो प्राइस उसका ले लेते हैं एक्स। अगर इसी को बेचा जाता है 33 1/3% पे, यानी कि 1/3 पे, x/3 पे बेचा जाता है, तो लॉस होता है कितने का? 33 1/3% का। अगेन मैंने आपको बताया है सीपी और एसपी का रेशियो निकालने का तरीका। आप सीधे क्या किया कीजिए, वैसे तो ये काफ़ी सिंपल है, 1/3 इसका फ्रैक्शन होता है, ये 3 CP हो जाएगा और 1 लॉस हो जाएगा, तो 2 SP हो जाएगा, 3/2 रेशियो होगा। बट अगर ये आप नहीं समझ पा रहे, सीपी के आगे 100 लीजिए सिंपली, और एसपी के आगे 100+ प्रॉफिट या 100-लॉस ले लिया जाता है। यहाँ लॉस हो रहा है तो 100 माइनस ये 100/3 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 200, ऊपर आ जाएगा 300, और ये आपका बन जाएगा 3/2। सी पी एस पी का रेशियो आपके पास आ गया। ये किसका रेशियो है? ये इसके लिए रेशियो है, इस प्राइस के लिए रेशियो। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ सारी वैल्यूज अब मुझे परसेंटेज में दिए हैं, ऑप्शंस भी परसेंटेज में, तो मैंने बताया हुआ है, एजम्पशन कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ सी पी को 300, एस पी को ले लेता हूँ मैं 200। तो ये एस पी कौन सा है? x/3, इस पे ये कंडीशन है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली? 600। ये ओरिजिनल एस पी था। अब ये बोल रहा है कि अगर 80% दाम पर उसी एस पी के वो आइटम को बेचा जाए तो फिर कितना प्रॉफिट परसेंट होगा? तो यहाँ से 480 रुपये आ जाएगा, ये ओरिजिनल एस पी से 80% भाव, और 300 CP है उस आइटम का, ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो फायदा कितना हुआ? 180 रुपये का अपॉन CP × 100, ये कितना आ जाएगा? 60%। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है 7 SP = 8 CP। यहाँ से CPSP का रेशियो निकाल लीजिए, CP/SP को नीचे ले आएंगे तो ये कितना होगा? 7/8। एज्यूम कर लीजिए कि ये 700, ये 800, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। फायदा कितने का हो रहा है? 100 रुपये का। फायदा अपॉन CP × 100, 100/7, यानी कि 14 2/7%। एक ही ऑप्शन है 14 पॉइंट समथिंग वाला, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। एक पर्सन है जो अपने आर्टिकल को 36% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से मार्क करता है। तो मैं मान लेता हूँ कि 1000 रुपये का आइटम था, तो उस आइटम को उसने 36% ज़्यादा, यानी कि 1360 पे मार्क कर दिया, और उस पर 30% का डिस्काउंट दिया। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 1360 × 70/100, है ना, 7/10 हो जाएगा। ये प्राइस कितनी हो गई? 42 52, 952 रुपये। अब यहाँ से देखिए सीपी कितनी थी? 1000। फाइनल एसपी कितनी हुई? 952। लॉस हो रहा है स्ट्रेट अवे 48 रुपये का। कितने रुपए पे? 1000 रुपये पे, इंटू 100 कर दीजिए, आपको लॉस गेन परसेंट पता चल जाएगा। 4.8% लॉस हो रहा है उस आदमी को। ऑप्शन डी अगेन विल बी द करेक्ट आंसर। एक आर्टिकल है जिसे बेचा जाता है 355 पे, तो वहां पे 29% का लॉस होता है। अगर 31% का लाभ उठाना है तो उसे कितने पे बेचा जाए? तो 355 पे तो लॉस हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सीपी आएगा, और आगे प्रॉफिट हो रहा है कितने पे हमें नहीं पता, ये प्राइस हमें ढूंढ के निकालनी है। कितने परसेंट का यहाँ पे लॉस हो रहा था? यहाँ पे लॉस हो रहा है 29% का, और यहाँ पे फायदा हो रहा है 31%, यानी कि ये सीपी से 29% घट के ये प्राइस है, और ये सीपी से 31% बढ़ के प्राइस है। ठीक है, यही चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था CP/SP का रेशियो,
100 अपॉन 100 माइनस लॉस यानी कि 100 माइनस 29 71। यहाँ पे आपको एसपी भी दिया हुआ है तो सीपी निकल जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 71 इंटू 355, ये बेसिकली 5 आ गया। तो एस सीपी आपका ओरिजिनल कितना है, 500 रुपये। इस 500 रुपये पे आपको 31% कमाना है यानी कि 131/100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, आंसर आ जाएगा कितना, 655 यही आएगा ना, 515। हाँ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, 716 पे कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है 10.5% के डिस्काउंट के बाद, अगर उसी परसेंट पे 6.5% का डिस्काउंट मिले तो कितने का बेचा जाना चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, 716 रुपये का बेचा 10.5% के डिस्काउंट के बाद, तो अगर कम डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे डेफिनेटली 716 से ज़्यादा बेचा जाएगा, तो ये दोनों ये ऑप्शन तो आपका बेकार हो गया, और ये तीनों ऑप्शन आपके हैं अभी। बट इसमें भी देखिए तो ये ऑप्शन बहुत पास का है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा अगर सही तरीके से आपको करना है। ये मैंने उस टाइम का बताया जब एग्ज़ाम में 2-4 सेकंड बचे हैं, टाइम ख़त्म होने वाला है, तो आप कर सकते हैं ऐसा कभी कभार, कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर जनरल वे में करना चाहें तो मान लेते हैं मार्क प्राइस एक्स था, उस पर 10.5% का डिस्काउंट दिया तो वो 716 का बेचा गया, यानी कि 89.5/100x इज इक्वल टू 716, ये मैं बोल सकता हूँ। तो x कितना हो जाएगा, 716 × 100/89.5। अब ये बोल रहा है कि इसी पे 6.5% का अगर डिस्काउंट दे दें तो कितना हो जाएगा, 93.5/100x। यहाँ पे भी आप 93.5/100x जोड़ दीजिए, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये दोनों ऑलरेडी कट जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग फर्स्ट स्टेप में कर सकते थे, जो वैल्यू दी है 716, ये किसकी वैल्यू है, 89.5% की वैल्यू है एमपी की, और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, 93.5 की, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी 5 से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, 179 एंड दिस इज 187। ये 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है 184 × 720 होता है, और 47 × 28, यही वाले ऑप्शन में लास्ट डिजिट 8 है, 748 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन में कोशिश कीजिए जितना भी सेकंड्स आप बचा सकते हैं बचाइए, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा हो गया है, कैलकुलेशन इतनी आ रही है कि आपको टाइम बचाना ही बचाना पड़ेगा। एक ट्रेडर है जो 25% गेन करता है 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है सीपी बाई एमपी का, 100 − D/100+P। तो ये कितना आ जाएगा, 20% डिस्काउंट है, 25% फायदा है, क्या आ गया, 16/25। ठीक है, ये तो फर्स्ट आ गया सिचुएशन, सीपी बाई एमपी रेशियो आपका फिक्स हो गया। इसके बाद भी सारी चीज़ें देखिए परसेंटेज में दी हैं, यहाँ ऑप्शंस भी परसेंटेज में दिए हैं, तो अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ। मेरे एज्यूम करने पे क्या हो गया, सीपी 1600 में मैंने मान लिया, और एमपी मैंने कितना मान लिया, 2500। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद ये बोल रहा है अगर कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ जाती है, यहाँ से 30% कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी, 10% कितना होगा इसका, 160, 30% कितना हो जाएगा, 480, तो बढ़ के ये कितना रेट हो जाएगा, 2080 न्यू कॉस्ट प्राइस। और डिस्काउंट कितना देना चाहिए ये पूछ रहा है, जितना ताकि 15% का फायदा हो, 15% का फायदा हो, तो इसका हम 15% पहले निकाल लेते हैं, 3/20, 104 × 3 यानी कि 312, 312 2080 में अगर हम ऐड कर दें, 2392 पे ये प्रोडक्ट बिकेगा तब इसे फायदा होगा 15% का, और मार्क प्राइस 2500 है तो इस पर कितना डिस्काउंट दे, डिस्काउंट इसे देना पड़ेगा 108 रुपये का 2500 पे, और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो
बेसिकली यहाँ से दिख रहा है कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन बी या सी में कुछ है, ये आ जाएगा 4.80 आया तो 3, और फिर 50 आया 2, तो 4.32% आपका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं 29 जनवरी के, इसके बाद 3 फेब के करेंगे। 3 फेब के मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थोड़े से 29 जन के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, अगर एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे, 60,000 का लैपटॉप है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, तो पहले 10% डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना होगा 90%, फिर उसके बाद 5% डिस्काउंट के बाद 95%, यानी कि 19/20, तो ये कितना हो गया 171 × 300, यानी कि 2,03,21, 51,300, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से नए पैटर्न पे थे, थोड़े से लेंदी थे, बट कोई भी कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलिए 3 फेब के क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में बता रहा है 17 CP इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ CP एंड SP, इस तरीके से। तो जैसे जैसे बताए रहे आपको बस लिखते जाना है और रेशियो निकाल लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये इधर आएगा 9 CP इज इक्वल टू 8 SP, यहाँ से रेशियो CP/SP का निकाल लेंगे तो कितना आएगा 800/900, मैंने पहले ही 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ प्राइस, फ़ायदा हो रहा है 100 रुपये का कितने पे, 800 रुपये पे, तो ये तो 1/8 हो गया डायरेक्टली, 12.5% आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप नहीं समझ पाए तो यहाँ पे 100 का फ़ायदा हो रहा है × 800 × 100, ये मैंने किया है, इससे आपको 12.5% मिलता है। एक शॉपकीपर है जिसने अपने आर्टिकल को मार्क किया है। अब ये देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, शिफ्ट 29 जनवरी वाली, 12.5% का डिस्काउंट, अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ CP/MP इज इक्वल टू 87.5/115, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 से दोनों जा रहे हैं, 3 ज़ा 5 ज़ा, और ये कितना हो जाएगा 4 ज़ा 6 ज़ा, 35/46, ये आ गया। अब आपसे बोल रहा है अगर कॉस्ट प्राइस दी हुई है 385, तो यहाँ से MP निकल आएगा, MP कितना हो जाएगा 46/35 × 385, तो ये 11 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 506, MP आ गया 506 आपका, CP आपको पता है 385, आपको क्या बोल रहा है सम ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है बेसिकली। अभी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पे डिस्काउंट देना पड़ेगा, 12.5% का डिस्काउंट है, तो 12.5 कितना होता है फ्रैक्शन 1/8, तो आपको 7/8 की वैल्यू बेसिकली निकालनी है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 63.25, 35, 17, 22, 442, 506, इन दोनों को ऐड करना है 948.75, ये आपका सही आंसर होगा। अगर मैं कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ कर रहा हूँ तो आपको भी कोशिश करनी है कि इतनी तेज़ कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको इस तरीके से सॉल्व करना ही पड़ेगा जल्दी से आंसर लाने के लिए। एक डीलर है जिसे 20% फ़ायदा होता है 25% डिस्काउंट देने के बाद, तो फिर से CP/MP रेशियो सबसे फेवरेट पार्ट है SSC का, प्रॉफिट एंड लॉस से CP/MP रेशियो, डिस्काउंट कितना है 25%, तो ये हो जाएगा 75, और गेन है 20 का, तो ये 120, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 से जा रहे हैं दोनों, 5/8, सारी चीज़ें परसेंटेज में, तो मैं मान लेता हूँ 500 रुपये CP है, 800 रुपये MP है। आपसे बोल रहा है कॉस्ट प्राइस अभी 15% घट जाता है, 15% आपका कॉस्ट प्राइस घट जाता है, तो 10% 50, 5% 25, 75 रुपये घट गया, 425 रुपये इसका अब कॉस्ट प्राइस हो गया नया,
तो आपसे बोल रहा है कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि सेम प्रॉफिट रहे जैसे पहले था। पहले कितना था? 20% फायदा था, तो इस पे 20% फायदा मिलना है हमें। तो 1/5 निकाल लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा? 85 रुपीज़। तो बेचेगा कितने का? 510 का। 510 का ये बेचेगा, 800 रुपये MP है, तो डिस्काउंट कितने का होगा? 290 रुपये का अपॉन MP इंटू 100। यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकल आएगा, तो ये कितना आ रहा है? 36.25% आपका डिस्काउंट आ रहा है। एक डीलर है जो 20% का कैश डिस्काउंट देता है और 20% का फायदा भी मनाता है। उसके बाद बोल रहा है कि वो 8 आर्टिकल बेचता है 6 आर्टिकल के रेट पे। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, एमपी को जो है मैं मान लेता हूँ 500, मान लेता हूँ एक बार एमपी को मान लेता हूँ 500 या 100 मान लेता हूँ। तो क्या कह रहा है कि 8 SP इज इक्वल टू 6 MP, ये आपको बोला हुआ है। तो SP इज इक्वल टू 6/8 इंटू MP। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, MP को 800 मान लेता हूँ ताकि मेरा फ्रैक्शन ना आए। तो ये हो जाएगा 6/8 इंटू 800, यानी कि 600 मेरा आंसर आ गया। तो MP 800 माना है मैंने, SP 600 आ गया मेरा। और क्या बोल रहा है इस, ये भी बोल रहा है कि इससे पहले इसने डिस्काउंट भी किया हुआ था 20% का, 20% का डिस्काउंट भी किया हुआ था। तो क्या 800 रुपये पे मुझे ऑलरेडी 20% डिस्काउंट लग के लगा हुआ है? ये MP 800 है, अगर इस पे पहले ही उसने बोला है कि डिस्काउंट लग चुका है, तो 80/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 800 है। तो ये 100 हुआ, ये 10 हुआ इंटू 100, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 1000 था, उस पे 20% डिस्काउंट मिला, उसकी प्राइस 800 हुई। उसके बाद इस मार्क प्राइस पे भी उसने 6 आर्टिकल के दाम पे 8 आर्टिकल बेच दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये। अब ये पूछ रहा है कितना परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस उसे मार्क किया गया है। तो अभी हमने CP नहीं निकाला है, SP निकाल लिया, MP निकाल लिया। CP निकालने के लिए क्या बता रहा है हमें? प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो 600 रुपये में अगर बेच रहा है और 20% का फायदा हो रहा है, तो 120/100 ऑफ CP इज इक्वल टू 600, ये है, यानी कि ये 5 हो गया। CP अपना कितना आ गया? 500। 500 CP आ गया, इसका मतलब प्रॉफिट यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना ऊपर मार्क किया है। 1000 रुपये का मार्क किया था ओरिजिनली, 500 रुपये का CP है, यानी कि 100% बढ़ा के मार्क कर रखा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा मैंने इसमें एक दो जगह मिस्टेक कर दी थी, बट आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ये काफ़ी टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, सही से लैंग्वेज इन्होंने पुट नहीं कर पाई एग्जाम में। यहाँ पे हिंदी में आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और बेटर वे में समझ में आएगा। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इन्हें भी कर लेते हैं। 2200 रुपये का एक आर्टिकल है, उस पे 10% प्रॉफिट कमाता है, यानी कि 11/10 ऑफ CP इज इक्वल टू 2200 है। यहाँ से CP आपका कितना आ जाएगा? 2000। अभी बोल रहा है सेम आर्टिकल को 2600 में बेचना है, तो कितना परसेंट गेन होगा? तो 600 रुपये का फायदा होगा अपॉन 2000 इंटू 100, 30% का फायदा हो जाएगा इनको, ऑप्शन सी। यह वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन एलिगेशन से करना पसंद है। एक ट्रेडर है जिसने 640 किलो चावल मंगवाया है, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है Tier 1 में शायद। उसने कुछ राइस 20% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, और कुछ 5% लॉस पे बेचा। पूरे ट्रांजैक्शन पे उसे 15% का फायदा हुआ। यहाँ से रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो
इस तरीके से अगर मैं बना लूं तो मैं एलिगेशन लगा सकता हूं, यहाँ पे 20-15 इधर साइड कर देंगे, ये आ गया 5, और यहाँ 15 -5 यानी कि 20 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:1 आएगा। अब आपसे बोल रहा है कि रेशियो बताना है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, पहले तो 5% लॉस वाला रखना है यानी कि ये वाला 1, और फिर ये वाला रखना है, तो 1:4 आपका सही आंसर हो, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिकल को 960 रुपये पे बेचा गया कुछ प्रॉफिट पे, अगर 800 रुपये पे बेचा जाता तो उस पे लॉस होता। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से, बीच में आपका कहीं सीपी आ रहा होगा क्योंकि 960 पे फ़ायदा हो रहा है, 800 पे नुकसान हो रहा है। अभी बोल रहा है 800 पे जो नुकसान होगा वो 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट एक्स हो रहा था तो यहाँ पे लॉस x/3 होगा, ये कहना चाह रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ फ्रैक्शन हटाने के लिए multiply/3 कर दूंगा, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे x और यहाँ पे 3x हो जाएगा, बेसिकली ये चीज़ हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा फ़ायदेमंद होती है, यहाँ पे टोटल लाइन की वैल्यू कितनी है 4x x के टर्म्स में, और अगर यहाँ से देखें तो डिफरेंस कितना है 160 का, x की वैल्यू आ जाएगी 40 रुपये, और CP अगर हमें निकालना है तो वो आ जाएगा 840, 800 प्लस x 840, या 960 माइनस 3x तो भी 840 आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है आर्टिकल पे कितना हुआ है, तो 960 पे बेच रहा था, 120 रुपये का फ़ायदा हुआ, 840 रुपये SCP थी इंटू 100, तो 100/7% उसको प्रॉफिट हो रहा था इन परसेंटेज। तो अभी हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए प्रॉफिट एंड लॉस के। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मैंने इस पूरे चैप्टर की एक शॉर्ट वीडियोस के उस रूप में 12 शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, और आपको हर एक टाइप उसमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद जब आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू वेरी मच।